नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म HS न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची मूर्ति का किया अनावरण। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा की भी नींव रखी। अटल जी की 95वीं जयंती पर पीएम मोदी ने लॉन्च की भूजल योजना, बोले अटल जी का सपना हुआ पूरा। यूपी में दंगाइयों पर कसा शिकंजा, रामपुर जिला प्रशासन ने सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 28 लोगों से 14 लाख रुपए रिकवरी का भेजा नोटिस। दिल्ली में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 1947 के बाद दिसंबर में पहली बार दर्ज हुए इतने ठंडे दिन। आज तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। यूएसए में भारतीय अमेरिकी नागरिकों ने सीएए और एनआरसी का किया समर्थन। समर्थन में भारतीयों ने अमेरिका के कई शहरों में निकाली रैलियां। अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती आज, लखनऊ में पीएम मोदी ने किया वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण। पीएम मोदी ने यहां अपने कार्यकाल में हुए कामों को भी गिनाया। कहा, अनुच्छेद 370 दशकों पुरानी बीमारी थी, हमें विरासत में मिली थी लेकिन हमने इसे सुलझा दिया। इस पर सभी की धारणाएं चूर चूर हो गई। राम जन्मभूमि का मामला भी शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कार्यकाल में ही निपटा। दशकों से इस पर विवाद चल रहा था। पीएम ने यहां सीएए की भी बात कही और कहा कि लाखों गरीब दलित आजादी के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो यहां आए, उन्हें हमारी सरकार ने नागरिकता देने का काम किया है। अभी जो बाकी है उनके समाधान के लिए हर भारतवासी प्रयास कर रहा है। सबकी धारणाएं चूर चूर हो गई। राम जन्मभूमि का इतना पुराना मामला, शांतिपूर्ण समाधान, भारत आजाद हुआ, विभाजन हुआ तब से लेकर के लाखों गरीब, उसमें भी ज्यादा दलित है, वंचित है, शोषित है, पहने कपड़े पहन करके अपना धर्म बचाने के लिए, अपने बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता की गरिमा देने का रास्ता, ऐसी अनेक समस्याओं का हल इस देश के 130 करोड़ भारतीयों ने निकाला है। इस आत्मविश्वास से भरा हुआ हिंदुस्तान 2020 में प्रवेश कर रहा है, एक नए दशक में कदम रख रहा है। और अभी भी जो बाकी है, उनके समाधान के लिए भी पूरे सामर्थ्य के साथ हर भारतवासी प्रयास कर रहा है। चाहे हर गरीब को घर देना हो, चाहे हर घर जल पहुंचाना हो, कितनी ही बड़ी चुनौतियां होगी, हम चुनौतियों को चुनौती देने के स्वभाव को लेकर के निकले। साथियों, 2014 से लेकर 2019 तक के कालखंड में हमने चुनौतियों को चुनौती देने का एक भी मौका छोड़ा नहीं। 2014 से पहले देश की आधे से अधिक आबादी के पास शौचालय नहीं था, अब शौचालय पहुंच चुका है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बात याद दिलाई। देखिए क्या कहा उन्होंने। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, मन कितना बड़ा था 1971 में जब कारगिल जो उस समय जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय इस बात की चिंता न करते हुए कि हमारी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, हमारी पार्टी का क्या होगा, केवल देश हित जिनके पूरे राजनीतिक जीवन में सर्वोपरि रहा है, उन्हें संसद में खड़े होकर उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, और यह प्रशंसा करने में रंच मात्र भी उन्होंने संकोच नहीं किया था। एक ऐसा व्यक्तित्व था। दूसरे दलों में भी किस प्रकार की उनकी मान्यता थी कि आप सबको जानकारी होगी कि 1994-95 में जब कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना था, तो सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को नजर नहीं आया। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की नजर भी जाकर जिस व्यक्तित्व पर टिकी थी वह व्यक्तित्व था प्रदे अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर उन्होंने भारत के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी की मूर्ति यहां से लोकतंत्र का संदेश देगी। 1947 से 2016 तक यूपी में सिर्फ 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा थी, लेकिन 2017 से अभी तक 45 जिलों में यह सुविधा पहुंचाई गई है। इसके अलावा यूपी को नए 13 मेडिकल कॉलेज भी मिले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही है, ये उनके पूर्वजों की जन्मभूमि थी। अटल जी ने अपनी कर्मभूमि के रूप में बलरामपुर लखनऊ को चुना। बलरामपुर में भी सरकार की ओर से विकास का काम किया जा रहा है। देश की संसद में पहुंचने और उसके उपरांत लगातार 5 बार लखनऊ से माननीय सांसद के रूप में देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचने का कार्य करते उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरदेव अटल जी की प्रथम कर्मभूमि बलरामपुर में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन 112 आकांक्षात्मक जनपदों का चयन किया है, बलरामपुर उनमें से एक है। उस जनपद में स्वास्थ्य के बेहतर सुविधा के लिए केजीएमयू लखनऊ के एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में एक मेडिकल कॉलेज सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। 7 मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष हम लोगों ने प्रवेश भी लिया है। 8 मेडिकल कॉलेज में इस नए सत्र में हम प्रवेश लेने जा रहे हैं, और साथ ही साथ स्टेट राज्य सरकार के द्वारा भी बलरामपुर और जौनपुर में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रारंभ की गई है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में आपकी अनुकंपा से उत्तर प्रदेश को 13 नए मेडिकल कॉलेजेस उपलब्ध हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। बीजेपी की कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके जैसा नेता सैकड़ों साल में एक बार पैदा होता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उनके साथ उनका सानिध्य मिला। बहुत कम लोग हैं, मुझे लगता है यहाँ जो बैठे लोग हैं उनमें से बहुत कम लोग होंगे जिनको ये सानिध्य मिला होगा, लेकिन हाँ मुझे मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये कहना बड़ा बहुत सतही होगा कि वो बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। वह जिसको कहते हैं कि सदियों में कोई एक पैदा होता है, ऐसे व्यक्तित्व ऐसे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में अटल भूजल योजना को लॉन्च किया।
इसके अलावा मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग सुरंग का नाम भी अटल सुरंग रखा गया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि इससे वाजपेयी जी का सपना पूरा हुआ। पानी का विषय अटल जी के करीब था। पानी का संकट सबके लिए चिंता का विषय है। न्यू इंडिया को हमें जल संकट की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना है। इसके लिए 5 स्तर पर एक साथ काम कर रहे हैं। यूपी के रामपुर में सीए के खिलाफ हिंसा कर रहे लोगों को जिला प्रशासन ने आड़े हाथों लिया है। 28 लोगों को 14 लाख रुपए रिकवरी का नोटिस भेजा गया है। रामपुर में 21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में बवालियों को चिन्हित कर रिकवरी नोटिस भेजा गया है। इन सभी लोगों की शिनाख्त पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो के आधार पर की है। राजधानी दिल्ली में भीषण ठंड का दौर जारी है। आज सुबह का तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में साल 1947 के बाद अब तक दिसंबर के महीने में सबसे लंबी अवधि और बेहद ठंडे दिन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जहां एक और प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकी नागरिक सीएए और एनआरसी के समर्थन में आगे आए हैं। वे इस विवादित कानून के बारे में गलत सूचनाओं को दूर करने के लिए अमेरिका के कई शहरों में रैलियां निकाल रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।